सीधा ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं। ये बदलाव ऐसा है जो सरकार में लाने वाला बदलाव है। मुझे जानकारी मिली कि सुबह से ही जिस समय आप लोग बस्ती से निकले हैं और आसपास के क्षेत्र से निकले हैं गाड़ियां लेकर के, सरकार के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। और ये अच्छा किया आपने, टोल पे पहले ही पैसा दे दिया, नहीं तो खुशी में न जाने कौन सी खबर निकल गई होती। और मैं आपसे कहूंगा कि अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो वापिस में आप रामप्रसाद चौधरी फिर थोड़ा पैसा दे देना, क्योंकि गिनने वाले गिन नहीं पाए कि गाड़ी कितनी आ गई है। इसलिए मैं बधाई देता हूं, ये शुरुआत है नए साल की। मैंने कई बार कहा अपने साथियों से, आज मैं कहता हूं इतने अपने पूर्व विधायक और नेता जब शामिल हो रहे हैं पार्टी में, ये नया साल जरूर है, लेकिन हमारा आपका नया साल तब आएगा जब उत्तर प्रदेश में आपकी और हमारी सरकार होगी, उसी समय नया साल शुरू होगा। मैं अभी रामप्रसाद चौधरी जी को सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि किसान को भरोसा था कि आय दोगुनी होगी। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों को भरोसा दिलाया कि किसान भाई आपकी आय दोगुनी हो जाएगी। किसान ने भरोसा कर लिया। हम आप जैसे लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन हमारे गांव के गरीब किसान ने भरोसा कर लिया और उन्हें सत्ता में पहुंचा दिया। और केवल एक सरकार नहीं बनी, उत्तर प्रदेश में तो बनी बनी, दिल्ली में दोबारा मौका दे दिया, दिल्ली में दोबारा मौका मिल गया। बताओ हमारे किसान भाइयों, सरकारें उनकी बन गई लेकिन गरीब और किसान को क्या मिला? धान किसान तो बर्बाद हो ही गया, ये सब बर्बाद हो गया। कम से कम सरकार वाले यही काम कर रहे थे जो आप कह रहे हो। धान किसान तो बर्बाद, ये सब बर्बाद हो गया। कम से कम सरकार वाले यही काम कर रहे थे, हो ही गया जो आप कह रहे हो। धान किसान तो बर्बाद, ये सब बर्बाद हो गया। सरकार वाले यही काम कर रहे थे, हो ही गया। कम से कम सरकार जो आप कह रहे हो। धान किसान तो बर्बाद, ये सब बर्बाद हो गया। सरकार वाले यही काम कर रहे थे, हो ही गया। कम से कम सरकार जो आप कह रहे हो। धान किसान तो बर्बाद, ये सब बर्बाद हो गया। सरकार वाले यही काम कर रहे थे, हो ही गया। कम से कम सरकार जो आप कह रहे हो। धान किसान तो बर्बाद, ये सब बर्बाद हो गया। सरकार वाले यही काम कर रहे थे, हो ही गया। कम से कम सरकार जो आप कह रहे हो। धान किसान तो बर्बाद, ये सब बर्बाद हो गया। सरकार वाले यही काम कर रहे थे, हो ही गया। कम से कम सरकार जो आप कह रहे हो। धान किसान तो बर्बाद,
सब बर्बाद हो गया। वाले यही काम कर देते हो ही गया, कम से कम सरकार आम किसान तो बर्बाद। ये सब बर्बाद हो गया। सरकार वाले यही काम कर देते हो ही गया, आम किसान तो बर्बाद। कम से कम सरकार ये सब बर्बाद हो गया। जो आप कह रहे हो ही गया, सरकार वाले यही काम कर दे रहा, धान किसान तो बर्बाद। कम से कम सरकार ये सब बर्बाद हो गया। जो आप कह रहे हो ही गया, सरकार वाले यही काम कर दे रहा, धान किसान तो बर्बाद। कम से कम सरकार ये सब बर्बाद हो गया। जो आप कह रहे हो ही गया, सरकार वाले यही काम कर दे रहा, धान किसान तो बर्बाद। कम से कम सरकार ये सब बर्बाद हो गया। जो आप कह रहे हो ही गया, सरकार वाले यही काम कर दे रहे, धान किसान तो बर्बाद। कम से कम सरकार ये सब बर्बाद हो गया। जो आप कह रहे हो ही गया, धान किसान तो बर्बाद। कम से कम सरकार ये सरकार वाले यही काम कर दे रहे। जो आप कह रहे हो ही गया, सब बर्बाद हो गया। कम से कम सरकार धान किसान तो बर्बाद। ये सरकार वाले यही काम कर दे रहे। आपकी आपकी हमारी सबकी तैयारी करती, हम इनसे जानना चाहते हैं, दबी जवान से पूछते हैं और कहते हैं कि समाजवादियों को पता ही नहीं है ये सीए क्या है, एनआरसी क्या है। हम उन्हीं बुद्धिजीवी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जानना चाहते हैं कि ये बताओ, जहां से शुरू हुई बात, जहां से एनआरसी की बात शुरू हुई, आसाम से, बताओ आसाम में आपने क्या किया? आसाम के लोगों को झगड़े में लगा दिया कि नहीं लगा दिया आपने? जब भारतीय जनता पार्टी को पता लग गया कि सूची में हिंदू ज्यादा है मुस्लिम कम है, तो बताओ संविधान को बदला कि नहीं बदला? क्योंकि उनके पास सूची थी, और जब सूची देख ली उन्होंने कि हिंदू कितने हैं मुस्लिम कितने हैं, हमारे देश की नागरिकता जो बाबा भीमराव अंबेडकर और तमाम लोग, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो देश का संविधान बना, कहीं हमारे धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं था। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुमत मिल गया, इन्होंने धर्म के आधार पर भेदभाव किया। आसाम के लोग क्या चाहते थे और क्या कर दिया आपने? और एक हिस्से में तो लागू ही नहीं है सीए। क्या हमारे साथी जानते हैं, आसाम में ही एक हिस्से में लागू नहीं है, और अगर उस हिस्से में जाना चाहेगा कोई, हम और आप भी, तो आपको हमको परमिट चाहिए होगा। बताओ परमिट की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है कि नहीं की है? आप तो कहते थे कश्मीर में हम 370 हटा करके सीधा सीधा कोई भी जा सकता है, तो बताओ आसाम में क्या आप एक हिस्से में, अगर हम और आप जाना चाहेंगे तो वहां पर आपको हमको परमिट चाहिए होगा।
बताओ परमिट की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है कि नहीं किया है? और नॉर्थ ईस्ट में कई हिस्से हैं जिसमें बिना परमिट के आप नहीं जा सकते। भूल जाइए उत्तराखंड में क्या करोगे, जमीन लोगे, पहाड़ में नहीं ले सकते आप। ये पूरे देश को यहां रख दिया है उन्होंने। ये देश को उलझा दिया इन्होंने, हमें और आपको फंसा दिया। बताओ हम कहां से अपनी डेट ऑफ बर्थ ढूंढेंगे? ये हमारे गरीब बैठे हैं, किसान भाई बैठे हैं, जानते हैं डेट ऑफ बर्थ कैसे बनाई जाती है। जिस जमाने में बहुत सारे लोग पैदा हुए कैलेंडर ही नहीं देखा होगा, बस त्योहार के हिसाब से बता दिया कि दिवाली से पहले दो दिन पहले जन्म हुआ था, तुम्हारा दिवाली के दो दिन बाद जन्म हुआ था। यही तो सच्चाई है। बताओ हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के बैठे हैं, बताओ अपने पिताजी का कहां से ढूंढ के लाओगे डेट ऑफ बर्थ, कहां से लेकर के आओगे? और जो गांव में घर है आपका, बताओ गांव में जो घर है आपका किससे कागज है बताइए, किससे कागज है बताओ? जो घर बन गया सो बन गया, क्योंकि हम तो आजादी के बाद से आजाद हुए, हमने घर बना लिया, कहां से कागज ढूंढोगे? हम और आप गरीब लोग तो चलो कागज नहीं ढूंढ पाए, और ना कागज है हमारे पास। बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, उनके पास भी कागज नहीं है। बताओ बड़े राजा महाराजाओं पे महीनों के कागज हैं क्या उनके पास? किसी राजा महाराजा पे उसके घर के कागज नहीं है। अगर ये बात गलत हो तो पत्रकार साथियों छाप देना। और मुझे याद है अमेठी के राजा थे और उनके साथ कई राजा हमारे पास आए थे, हेरिटेज पॉलिसी बनवा रहे थे और हेरिटेज पॉलिसी बन गई थी। हेरिटेज पॉलिसी बनने के बाद सब चीजें शुरुआत हुई। एक मामला फंसा उसमें कि कैसे नाम दर्ज होगा, रजिस्ट्री कैसे होगी। राजा साहब के बेटे को पता लग गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है महल उनके उनके नाम पे चला जाए, हम घुस ही ना पाए। उसने अपने साथी इकट्ठे किए और घर में घुस गया, महल पे कब्जा कर लिया। मुझे पीएससी लगानी पड़ी, एक महीने में राजा साहब को अंदर कर पाए हम, क्योंकि कागज सही नहीं। और बेटे को लगा कि शायद ये कागज पिताजी बनवा लेंगे तो हम बाहर रह जाएंगे, हम घुस ही नहीं पाएंगे अंदर। बताओ ये कहानी हुई थी कि नहीं हुई थी अमेठी में? तो महलों के कागज नहीं है लोगों के पास, और गरीबों को इसलिए ये जहां मुसलमान भाइयों के साथ भेदभाव है, वहीं आम गरीब के खिलाफ है ये कानून। CAONRC आम गरीब के खिलाफ है। हमारे साथ दोनों लोग सांसद रहे हैं, उनके भाई हमारे साथ, अरे रामजिया सुमन जी बैठे हैं। एक समय लोकसभा में बहस हुई के जब जनगणना होने वाली बात थी, हम सब चाहते थे कि जाति जनगणना हो जाए, लेकिन कांग्रेस ने नहीं होने दी और आंकड़े भी बाहर नहीं आए। फिर जनगणना होने जा रही है लेकिन फिर हमारी आपकी गिनती नहीं हो रही। और गिनती इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन इस देश की जातियों की गिनती हो जाएगी, उस दिन हिंदू और मुसलमान का झगड़ा खत्म हो जाएगा, कोई हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं करेगा। इसलिए नहीं कर रही है लोग, जिस दिन जातियां गिन जाएंगी तो यादव भाइयों से भी कोई नाराज नहीं होगा। ये जो बीजेपी वाले कभी कभी बांट के राज करना चाहते हैं, ये जो हमारा साथी कह रहा है कि हम गुलाम नहीं होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेजों से सीखे हैं। अगर अंग्रेजों ने कहा कि डिवाइड एंड रूल, तो वही रास्ता अपनाया है कि कभी जातियों की लड़ाई करा दो, कहीं धर्म की लड़ाई करा दो। इसलिए अब हमें खुशी है कि जहां राम प्रसाद चौधरी जी उनके सहयोगी साथी आए हैं, अब बात को समझाएंगे और हम लोग मिलकर के काम करेंगे, कहीं किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये हम संकल्प लेते हैं आज समाजवादी लोग, और जो समाजवादी सिद्धांत है
कि सबको साथ लेके चलने का। बताओ हम लोगों का सिद्धांत भी चोरी कर लिया है उन्होंने। हम पूरे नेताजी लोहिया जी सब लोग संविधान हमारा जो प्रियम्बल है प्रस्तावना उसमें समाजवाद है। हम लोग समझाते रहे नहीं समझा पाए लेकिन बीजेपी के लोग आए और टीवी पे प्रचार किया कहा कि सबका साथ सबका विकास। लोगों को लगा यही सच्चे समाजवादी हैं। सबका साथ सबका विकास। और फिर अपना क्या किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताओ। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं केवल नाम बदलना जानते हैं। किसी को अगर नाम रखवाना हो तो दरखास्त लिख के हमें दे देना हम चिट्ठी पहुंचवा देंगे। बताओ घाघरा नदी कोई हमने आपने तो नाम थोड़ी रखा था। कभी पूर्वजों ने रखा होगा किस कारण रखा ये हम ही नहीं जानते। अब वो नदी का नाम बदल दिया। क्या बदल गया बताओ। पानी बदल गया या शहर किनारे वाले बदल गए कुछ बदला है बताओ हमें। आप 100 नंबर 112 कर दिया। 100 नंबर 112 कर दिया। बताओ कौन सा टायर बदला है उन्होंने गाड़ी का ये बताया हमें। कोई टायर बदला उसका बताओ। 100 नंबर 112 हो गया। लेकिन इतनी होशियारी की इन्होंने पत्रकार साथियों 112 मिलाओगे तो आपके नहीं मिलेगा लेकिन मोबाइल में लिख करके आएगा इमरजेंसी नंबर। हमने आपने नोट ही नहीं किया पता नहीं कब घुस गई मोबाइल में। मोबाइल में घुस गई ये लोग। ये ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि ये मोबाइल में घुस गए हैं। पता नहीं हमारे आपकी मोबाइल की जानकारी तो नहीं निकाल रहे ये भी देख लेना आप और हम। हो सकता है निकाल रहे कोई भरोसा नहीं। और बताइए क्या सबसे सुंदर अच्छी मुख्यमंत्री आवास वो बनाया लोक भवन। जो लोग अपने नेता को सम्मान नहीं कर सकते वो प्रदेश और देश को खुशहाली के रास्ते पर नहीं ले जा सकते। लोक भवन के सामने भी कब्जा कर लिया। हम कब्जा नहीं कहेंगे सम्मान दे दिया। हम उनसे कहेंगे कम से कम उनकी जन्मस्थली पे तो बना देते कुछ। जहां जन्म लिया वहां के लोग अभी भी देख रहे हैं रास्ता देख रहे हैं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कम से कम ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड या कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी बना देते तो मानते भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। अभी भी वही हम लोगों का पुराना काम पूरा कर रहे हैं नया काम नहीं कर पाए हैं। एक्सप्रेसवे बनाया तो अभी भी जो पूर्वांचल को दिया था अभी उसी पे काम चल रहा है। ये समाजवादियों का दिया हुआ है इसलिए अभी कुछ नया काम नहीं कर पाए हैं। और जो काम उन्हें करना चाहिए था गाय की सेवा वो भी नहीं कर पा रहे। अब सांड वाली बात हम नहीं कहेंगे। देखो तो सांड वाली बात अगर कहना शुरू कर दिया तो कहीं बात और जगह पहुंच जाएगी इसलिए हम नहीं चाहते कि उन तक पहुंच जाए वो बात। इसलिए जो काम था वो भी नहीं कर पा रहे तो बताओ मुख्यमंत्री होकर के प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं। इसलिए हमें खुशी है इस बात की कि आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ बड़े नेता आए हैं। जहां रामप्रसाद चौधरी जी ने शुरुआत दौर में समाजवादियों को आगे बढ़ाया समाजवादी पार्टी और नेताजी को मजबूत किया उसी तरीके से आने वाले समय में उनके सभी सहयोगी साथी मिलकर के एक बार फिर समाजवादी पार्टी को और मजबूत करेंगे। मैं उनका उनके सहयोगी साथियों का और जितने उनके साथी आए जो यहां पर हैं मंच पे बैठे हैं मैं उन सब का स्वागत करता हूं। उन सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं और अवार्ड प्रकट करता हूं कि उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनेगी समाजवादियों की मिलकर के सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।